देखिए, चारों लाइन पे गाड़ियाँ चल रही हैं, चारों लाइन फिट है, और कुछ कुछ रेगुलर काम है जो होता रहता है, जैसे बैलास्ट डालना है, कंपैक्शन करना है, वो सब काम चल रहा है, वो रेगुलर मेंटेनेंस का पार्ट भी है, तो वो अभी चलता रहेगा। चारों लाइन फिट है, गाड़ियाँ उसमें चल सकती हैं। अगर हम कंपनसेशन की बात करें, इसमें जी तो अब तक कितने लोगों को कंपनसेशन किया गया है? देखिए, अभी टोटल 661 केसेस में कंपेंसेशन दिया गया है, जिसमें सिंपल इंजरीज है 331, ग्रीवियस इंजरीज 150, और जो डेथ केसेस हैं उनमें 180 केसेस में कंपनसेशन दिया जा चुका है। टोटल 22.66 करोड़ ये रिजर्व किया जा चुका है। अगर हम ट्रेन कैंसिलेशन की बात करें, कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई थी सर, तो अभी कितनी ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है? देखिए, सारी ट्रेन चल रही हैं, कुछ ट्रेन को आज कैंसिल किया है, अराउंड 40 ट्रेन कैंसिल है, और 4 ट्रेन डायवर्टेड रूट से चलेगी, बाकी सारी ट्रेन अपने नॉर्मल ट्रेन से शेड्यूल टाइम पे चलेगी। अगर हम ट्रैक की बात करें सर, जैसा कि 8वां दिन है और आप बता रहे कि ट्रेन सभी सुचारू ढंग से चल रहे हैं, तो अभी का जो मेंटेनेंस वर्क है वो कब तक ओवरऑल क्लियर हो जाएगा? देखिए, इसमें काफ़ी कुछ तो नॉर्मल मेंटेनेंस वर्क भी है, जैसे बलास्ट डालना, इसको कंपैक्शन करना, ये सब रेगुलर काम भी चलता रहता है, तो ट्रैक डिस्टर्ब हुआ था तो उसको फिर से किया जा रहा है, तो ये नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ है जो कि राउंड द ईयर चलता रहता है, वो भी अभी जो काम हो रहा है उसका पार्ट है। मेन काम था ट्रैक में गाड़ी चलाना, रिस्टोर करना, वो काम ऑलरेडी हो चुका है। अब जो डिस्टर्बेंसेज हुए थे उसका कुछ कुछ काम होता रहता है, और कुछ नॉर्मल मेंटेनेंस का भी काम है, वो अभी चलता रहेगा, कुछ दिनों तक चलेगा। अगर हम एक्सीडेंट साइट की बात करें, तो अभी भी ट्रेन पे वहाँ पे स्लो में चलाया जा रहा है, तो ये अपने नॉर्मल स्पीड में आने में कितना समय लग जाएगा? देखिए, स्लो चलाने का अब जो है मेन कारण ये है कि वहाँ पे लेबर्स काम कर रहे हैं, और लेबर्स और स्टाफ वहाँ पे ट्रैक के किनारे में काम कर रहे हैं, इसलिए ट्रेन को स्लो रखा गया है। वैसे ट्रैक फिट है और ट्रेन चलाया जा सकता है, लेकिन जहाँ भी लेबर्स काम करते हैं, स्टाफ काम करता है ट्रैक के किनारे, नॉट जस्ट दिस साइड, कोई भी साइड पे कोई वर्क होता है, लेबर्स काम करते हैं ट्रैक के किनारे, तो उसका स्पीड कम कर दिया जाता है ताकि इंजुरीज ना हो, फैटेलिटीज ना हो, लेबर्स को इंजुरी ना हो, इसलिए ट्रेन का स्पीड कम रखा जाता है। सर, आखिरी सवाल, अगर हम सीबीआई की बात करें इस घटना को लेकर, तो सीबीआई सीआरएस टीम दोनों स्पॉट पे? बिल्कुल, दोनों टीम स्पॉट पे है, अपना काम कर रही हैं, दोनों टीम टैंडम और कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, अपने अपने डेटा कलेक्ट कर रही है, एविडेंसेज इकट्ठा कर रही हैं, और काम अभी चल रहा है। सर, सिग्नल की बात करें या फिर लॉकिंग की बात करें, तो किन किन पहलुओं से वो इस एंगल को देख रहे हैं? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ इंक्वायरी टू, लेकिन वो कर रहे हैं, सारे जगह जहाँ जहाँ उनको एविडेंसेस कलेक्ट करना था वो सारे कर रहे हैं।